नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। अदानी के लिए आज बड़ा दिन था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना था अदानी हिंडनबर्ग के केस के मामले में, बट फैसला आया नहीं, आई तो सिर्फ तारीख, और इसके लिए मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ आप सभी को, फिर भी रिपीट कर देते हैं। जो नेक्स्ट हियरिंग है अब सुप्रीम कोर्ट में अदानी हिंडनबर्ग केस के मामले पे, वो 24 नवंबर को है, यानी 24 नवंबर को अगली सुनवाई होने वाली है, और तब भी मुझे लगता है तारीख ही आएगी, फैसला नहीं आएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं, अदानी ग्रुप से एक कंपनी ने आज नंबर्स पेश करे हैं जिसका नाम है अदानी ग्रीन। अदानी ग्रीन एनर्जी की शेयर के जैसे ही नंबर आए, शेयर का प्राइस तूफानी रफ्तार से भागता हुआ दिखा है, 915 रुपए पे 5% बढ़कर बंद हुआ है। बट ये आधी सच्चाई है, अगर आप देखें तो आज 940 का हाई लगाया, यानी ऊपर से तो 25 रुपए गिरकर बंद हुआ है, ऑलमोस्ट 2.5% से ज्यादा तो गिर गया ऊपर से, तो काफी बड़ी तेजी, काफी बड़ा एक्शन हुआ रिजल्ट्स के बाद इस स्टॉक में। पूरी डिटेल मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ। 875 के समथिंग स्टॉक ओपन हुआ, उसके बाद शेयर ने 868 का लो लगाया, एंड आफ्टर दैट स्टॉक वन साइडेड धीरे 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 ऊपर जा रहा था। लगभग 2:12 के समथिंग 890 का प्राइस था स्टॉक का, उसके बाद रिजल्ट आया, और रिजल्ट्स के बाद शूट करता है शेयर 940 तक, और फिर एट द एंड गिरते गिरते 915 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखाई है शेयर। तो ये आज का इसका दिन का ट्रेड रहा। अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो एवरेज वॉल्यूम 25 लाख शेयर्स के हैं, 20 लाख शेयर्स आज NSE पे ट्रेड होते हुए दिखे। अब बिना देरी गवाए पहले रिजल्ट्स आप सभी के साथ शेयर कर देता हूं। देखिए कंपनी के बेहद शानदार नंबर देखने को लग रहे हैं, और इसी के दम पर ये शेयर आज भागा भी है। अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूं, थोड़ा सा जुखाम हो गया है तो मैं माफी चाहूंगा। अब अगर रिजल्ट्स की बात करूं तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी ने जो पेश करा है वो आपका 149 करोड़ से बढ़कर 372 करोड़ का है, मोर देन डबल प्रॉफिट हो गया है साल दर साल अगर आप कंपेयर करेंगे तो। रेवेन्यू में भी काफी बड़ा उछाल है, 1107 करोड़ से 1107 करोड़ से रेवेन्यू बढ़कर 1980 करोड़ का हो गया है, ये भी 50% ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि डबल हो गया है, थोड़ा सा रह गया 70-80% का जंप तो यहाँ भी है, यानी टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन दोनों आउट परफॉर्म करते हुए दिख रही है, बड़े शानदार नंबर दिख रहे हैं इसके। नेक्स्ट सॉरी आगे बात करें, कंपनीज ऑपरेशनल कैपेसिटी इंक्रीज बाय 24%, तो कंपनी की कामकाजी कैपेसिटी 24% से बढ़ी है, 8316 मेगावाट विद एडिशन ऑफ 1150 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड, 212 मेगावाट सोलर विंड, तो कंपनी की ऑपरेशनल कैपेसिटी भी बढ़ते हुए दिखी है। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस कंपनी के जो ये नंबर्स हैं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसे हैं वो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं वो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। शेयर का प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर मैं जाता हूं लास्ट जून क्वार्टर में तो 323 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पेश करा था, उसके सामने 370 है, तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू कंपनी का 2176 करोड़ का था जिसके सामने इस बार 1980 करोड़ का, तो रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इस पे घटता हुआ दिखा है, तो ये कुछ फ्रेश अपडेट आप सभी के साथ मैंने शेयर करी है। कंपनी की तरफ से कमेंट्री आई है एबिटा टू रूपीज, क्वार्टर टू एबिटा टू रूपीज 3775 करोड़, अप बाय 58%, कंपनीज नेट डेट टू रन रेट एबिटा एट 4.99 टाइम्स वर्सेस 5.9 टाइम्स, तो साल दर साल कंपनी का जो नेट डेट है वो भी हल्का कम होता हुआ दिखा है, तो ये कंपनी की तरफ से अपडेट आते हुए दिख रही है। बाकी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज और देखना चाहता था जो अभी मुझे दिख नहीं पा रही है, बट ओवरऑल नंबर्स काफी इंटरेस्टिंग और अच्छे आते हुए दिखे, जिसके बाद शेयर का प्राइस भी काफी भागा है। हालांकि पीई देखो तो अभी भी 170 के पीई पर ट्रेड करता है, टेक्निकली जिस लेवल से भागा है वही लेवल सपोर्ट है 848 का, क्योंकि प्रीवियसली भी यहीं से भागा था, 8 मई 18 में लो लगाया था 860 का, और स्टॉक भागते भागते ऊपर 980 हो गया था, इस बार भी स्टॉक ऊपर में 940-980 तक आ सकता है, तो जिनके पास है वो डेफिनेटली बने रहे, और फ्रेश एंट्री की राय तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि रिस्क काफी ज्यादा हो जाती है, आप अपने हिसाब से चेक करें, अगर आपको रिस्क लेना पसंद है, आपको अच्छा लगता है निवेश कीजिए, प्रॉपर स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए अदानी ग्रीन के स्टॉक के रिजल्ट्स प्लस जो अपडेट आई थी वो अपडेट, होप आपको सारी वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।